हम खेले चलो। आप खेलते हो? अभी तक ऐसा कोई पीएम ना आया ना कोई आएगा। कश्मीर, जम्मू कश्मीर देखें तो आजाद कश्मीर बहुत पीछे है, जम्मू कश्मीर बहुत आगे जा चुका है। 5G उनके लिए फुल टाइम अवेलेबल है, आईटी सेक्टर उनकी बहुत अच्छी है, हेल्थ बहुत अच्छी है। अब कश्मीर पाकिस्तान सोच ही सकता, ले नहीं सकता, और ये सच है। इन क्योंकि लीडरशिप का हाल ही है ना। तरक्की चाहिए थी, इंडिया ने तरक्की दे दी, उन्हें खुशहाली चाहिए थी, उन्होंने दे दिया, उन्हें कारोबार चाहिए था दे दिया, तालीम दे दी, रोजगार दे दिया, जॉब्स भी दे रहे हैं। बहुत जोश में हम, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमारे शहर जम्मू में आ रहे हैं। मोदी जी ने हमारे पहाड़ी समाज को, हमारे समाज को हमारा हक दिया है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत मशहूर हैं। और वो नारे लगा रहे हैं, उन्होंने नारा लगाया मोदी हमारा शेर है। नहीं, मोदी शेर तो नहीं है लेकिन वो बन रहा है, अभी तक तो नहीं है लेकिन बन रहा है, बन रहा है। वो बॉर्डर के उस पार्ट डेवलपमेंट कैसी है, इंडिया साइड पे डेवलपमेंट कैसी है, सच बताइएगा। मैं सच बताऊंगा बिल्कुल, अगर उस तरफ देखा जाए तो डेवलपमेंट ज्यादा है, ठीक है, हमारी तरफ वो उस तरह की डेवलपमेंट नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, भारतीय सरकार ने आजकल जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दिए हैं, इसीलिए अब हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जम्मू कश्मीर में टूर करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी जम्मू कश्मीर का टूर किए और साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ गलियों में क्रिकेट मैच खेले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही फिलहाल इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी तैयारी किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले समय में भी तैयारी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के इन्हीं सभी विकास को देख वहाँ के स्थानीय लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छे अच्छे उपाधि दे रहे हैं और शेर भी बोल रहे हैं। कश्मीर में इतना ज्यादा हद तक विकास हो गया है जिसे देख करके पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है, और इन पाकिस्तानियों का ये मानना है कि हमारे पाकिस्तानी वाले कश्मीर में थोड़ा बहुत भी विकास नहीं हुआ है तो वही इंडिया वाले कश्मीर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आजकल जिस तरीके से भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ध्यान दे रहे हैं, यदि आने वाले समय में इसी तरह से भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर पर ध्यान देंगे तो जम्मू कश्मीर में एक टूरिस्ट वाले प्लेस भी बन सकता है। इसके वजह से जम्मू कश्मीर का जो विकास बहुत ऊंचाइयों तक चला जाएगा। कश्मीर में आ रहा है, कश्मीर आपको पता है कभी देखे कितने मुसलमान थे वहाँ पर मोदी को देखने के लिए? मुसलमान थे, मैं मान रहा हूँ मुसलमान थे, मुसलमान अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं, को पैसा मिल रहा है उनको, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के कश्मीरी हमसे कितना आगे चले गए, तो अपने पाकिस्तान को क्यों कश्मीर के पीछे लगाया हुआ है? तो पाकिस्तान और कश्मीर एक ही है ना। अच्छा, दोनों एक है, पाकिस्तान ही है ये, पाकिस्तान कश्मीर अलग नहीं है। ये आपकी बात है कि अलग है, पाकिस्तान तो कश्मीर एक ही है, पाकिस्तान ही है, कश्मीर उसका हिस्सा है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर अलग है, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। जो वो कौन कहता है कि कश्मीर अलग है, कश्मीर अलग तो है ही नहीं, वो मोदी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये शुरू में ये बात हुई थी वो दयानंद सरस्वती से कि जो जिधर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होगी तो वो हिस्सा पाकिस्तान को दे देंगे, उधर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी तो फिर हमें वो कश्मीर क्यों नहीं दिया, उसमें मसले क्यों कर रहे हैं ऐसे, वो हमें उसी वक्त दे दिया जाए, हमें वो इस मसले में पढ़ना ही ना पड़े। आपको पता है कि कितनी हमारी आर्मी और कितनी इंडिया की आर्मी, कितने डिफरेंस, कितने हमारे जो दरामदाद और बरामदाद जो इसी कश्मीर की वजह से हुए हुए हैं, और वो नरेंद्र मोदी अभी आके ये काम कर रहा है, उसने देखा कि ये इलेक्शन वगैरह में भी डेवलपमेंट क्या थी, या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है या जवाल की तरफ गया है। मेरे ख्याल से था कि पहले भी जीरो था और अब मजीद जीरो, और इन्फ्लेशन पॉवर्टी कोई चीज में फर्क नहीं है। कश्मीर हासिल करने का दावा हम करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये इंडियन कश्मीरियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए, आप क्या कहेंगे? मैडम, अगर आप कहें कि मोदी सरकार यहाँ चलेगी तो ये इंडिया तो नहीं है, पॉवर्टी तो यहाँ इंडिया से ज्यादा है मेरे ख्याल में। मैं कह रही हूँ यहाँ मोदी सरकार, मैंने कब कहा यहाँ मोदी सरकार चलेगी? मैंने कहा है भारत के अंदर जो कश्मीर है ना, भारत के अंदर जो कश्मीर है, उन कश्मीरियों ने नारे लगाए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नारे लगाए हैं तो वो उधर के उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं या उनकी पावर वो उसके लिए कर रहे हैं, तरक्की के लिए या उनको आगे लाने के लिए कर रहे हैं? जी हमारी प्रोग्रेस या हमारी डेवलपमेंट्स देखें, अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बात की जाए या इलेक्शन की बात की जाए, वो पहले भी जीरो थे, अभी जीरो हैं। मैंने तो खातिर कोई तरक्की या डेवलपमेंट्स नहीं देखी। आपकी नज़र में कश्मीर का क्या मुद्दा है? आपकी नज़र में जो भारत के पास कश्मीर है उसका क्या स्टेटस है? वही कश्मीर का मैडम, वही मुद्दा है जो पाकिस्तान का मुद्दा है। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है हम कौन से आज़ाद फिर रहे हैं, हम तो खुद कैद में हैं, कैदों बंद की सोबतों में जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन सा फ्रीडम, कौन सा राइट्स हमें मिल रहे हैं? आप एक बच्चे को देख लें, यंग गर्ल्स को देख लें, आदमियों को देख लें, भाई क्या उनको राइट्स मिल रहे हैं? हर दूसरा बंदा तो पाकिस्तान में बैगिंग कर रहा है, तो ये डेवलपमेंट्स तो नहीं है। यूथ है वो भी आप देख लें, वो अपना कैसे सर्कल चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी देख लें पर के जॉब ही नहीं है,
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डेवलपमेंट्स हैं, इलेक्शन से पहले भी जीरो हालात थे, इलेक्शन के बाद भी। बेसिकली थोड़ा टॉपिक कश्मीर पर है, तो अगर हम उनके कश्मीर की बात करते हैं, आपने वीडियो दिखाई ना, उनके कश्मीर की क्या कंडीशन है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। उनकी सूरत हाल काफी ज्यादा, हम एक जगह पे काम करते हैं ठीक हो गया। और इसके मैं ये समझता हूँ, इसमें ये बता, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद एक बड़ी मिसाल है कि आज एक मिनट के लिए भाई जान आप ही है। आए आए आए, आपका नाम क्या है? निसार। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान अहमदाबाद से। वो अंदर भी भाई मौजूद है, वो भी टोटली पाकिस्तानी सर। आपको सबसे पहले सलूट है, एक इंडियन है और आपने जो स्टाफ है वो पूरा पाकिस्तानी रखा है। ये मैं नहीं कह रहा की बात है, ऊपर इनका होटल है, रोक तो जुमाते होंगे, सच बताइए। बहुत अच्छे हैं, आप क्या कहते हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बड़े भाईचारे से हमारे साथ रह रहे हैं, प्यार को बरसे रह रहे हैं। और मैंने जो चीज खुद ऑब्जर्व की है, नोट की है, यहाँ पे जब टेबल पे बैठे हुए खाना खा रहा होता है, जो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो वेटर होते हैं, अगर वो इधर उधर हो, ये भाई खुद सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पानी खुद पिलाते हैं, मतलब अच्छा एक एनवायरमेंट का जैसा माहौल बनाया है। भाई जान आप यहाँ पे रह रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी, कोई यहाँ पे नफरत की बात नहीं होती, आपस में मिल के रह रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये मैसेज पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। मैं तो इंशाल्लाह दुआ करता हूँ, जो बीच वाली दीवार है ना बॉर्डर की, वो भी चेक हो जाए सर। वो खत्म कैसे होगी? चले बॉर्डर ना खत्म हो, लेकिन ये है कि जो नफरतें वो तो खत्म हो सकती हैं, वो ऐसे होंगी हम ये ज्यादा ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाए। मैं तो कहता हूँ आपको यहाँ पे कैमरा रख लेना चाहिए, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, और आपको चैनल बनाए, जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी आता है, जो इंडियन आता है, जो बांग्लादेश से आता है, आप उनकी ओपिनियन लेके दुनिया को बताएं कि यहाँ पे देखें मैं 10 दिन के लिए आया हूँ, 12 दिन के लिए, थोड़े दिन रहूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन ये मैसेज तो दुनिया तक जाना चाहिए। आप कश्मीर किस एरिया से? मैं कश्मीर जिला पूंछ रावला बोल रहा हूं। पूंछ, पूंछ का बड़ा नाम सुना है जी, इंडिया साइड पे भी पूंछ मेरे ख्याल से है। जो मेरा घर है ना वो एलओसी के ऊपर है, ठीक हो गया, ऐसा ही है। अच्छा अब आपने मुझे ये बताना है, जो बॉर्डर एलओसी के ऊपर आप रह रहे हैं, बॉर्डर के उस पार्ट सर, आपका नाम? मेरा नाम फहद। करते क्या है? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, पंजाब आईटी बोर्ड में हूँ। अच्छा सर, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा कंपैरिजन कर लें, तो आपकी राय क्या है? उसकी जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है, मोदी ने फर्स्ट टाइम 370 आर्टिकल के बाद जम्मू कश्मीर विजिट किया और इनोग्रेशन की काफ़ी चीज़ों को लेकर उन्हें कहा कि ये मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ, आप सबकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ पर उसने ट्रेन का निज़ाम, वहाँ पर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि मेडिकल की जो है सारी ट्रीटमेंट और मेडिकल की जो एजुकेशन है वो दोनों फ्री दी जाएगी। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और ज़्यादा प्रोजेक्ट उसने जम्मू कश्मीर के अंदर जो बताए हैं कि मैं करने जा रहा हूँ। सर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो दोनों को आप किस तरह देखते हैं? देखें आज़ाद कश्मीर की बात करें, आप इंडियन साइड देखें या पाकिस्तान साइड देखें, वहाँ पर डेवलपमेंट है, यहाँ पर क्या है? नथिंग। यहाँ के लोग, हमने अपने लोगों को कह दिया, हमने बेसिकली नाराज़ किया हम लोगों को, ये लोग कम्प्लेक्स का शिकार होते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों, वो अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी शो करते हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं, क्यों? रीज़न इस देश के हमने उन लोगों के लिए